Let's do this video, this tutorial, N6 1.5. क्या सब टॉपिक है? एस्टिमेट आउटकम ऑफ नंबर्स. आउटकम क्या मतलब? रिजल्ट. किस चीज का रिजल्ट? अगर हम नंबर्स को कुछ ऑपरेशन करें, जब हम मैथ ऑपरेशन करते हैं नंबर्स पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, अगर हम ये ऑपरेशंस करें तो जो उसका आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हमने एस्टिमेट करना है. समझ में आ रहा है? अभी तक तो एस्टिमेट मतलब राउंड ऑफ करना है, उसको गेस करना है. तो नंबर्स का ऑपरेशन तो हमें मालूम है. जैसे हम मान लो कहते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 56, तो ये मल्टीप्लिकेशन तो आता है हमारे को. या 98 मल्टीप्लाइड बाय 103. अब अगर हमने इसको मान लो, ये एग्जांपल देखते हैं, ये दो नंबर्स हैं, इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, अगर तो कुछ भी नहीं लिखा होगा आपको. लिखा बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन करो, फिर तो आपको एक्चुअल मल्टीप्लाई करना है. अगर लिखा है एस्टिमेट, यानी कि इसका आउटकम जो है, इसका जो रिजल्ट है, उसको आपने गेस करना है या एस्टिमेट करना है. किसके रिजल्ट को? इनके दोनों के प्रोडक्ट को. मल्टीप्लिकेशन को के रिजल्ट को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट. अब इनके प्रोडक्ट को हमने एस्टिमेट करना है. तो एस्टिमेट का फायदा यही है कि हमें रिजल्ट जल्दी से मिलता है. तो मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं राउंड ऑफ करूंगा और इसको भी राउंडिंग करूंगा मैं, और फिर आपस में मल्टीप्लाई करूंगा. राउंड ऑफ ऐसा करूंगा जो मल्टीप्लिकेशन मेरे को आसानी हो. जैसे 103 है, इसको मैंने अगर राउंड ऑफ कर दिया, 100 बना दिया, और इस 98 को भी राउंड ऑफ किया, ये भी 100 बन गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे को क्या मिलेगा? 1 and 40, दैट मीन्स 10,000. सो इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करने से रफली जो आंसर होगा वो 10,000 आएगा. तो जल्दी मिल गया मेरे को आंसर. एग्जैक्ट नहीं है ये आंसर, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये एस्टिमेटेड आंसर है. एस्टिमेटेड, या मैंने इसको एस्टिमेट किया इन दो के प्रोडक्ट को, लेकिन एकदम मिल गया. अगर मैं मान लो 98 को 103 से मल्टीप्लाई करता हूं, वो कितना आता है? अभी तो मैंने कैलकुलेटर यूज किया, 10,094. लेकिन अगर मैं एक्चुअल कैलकुलेशन करूं तो मुझे काफी टाइम लगेगा. तो जहां पे मेरे को इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए, इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, वहां पे ये तो, अगर ये मेरा काम चल जाता है, तो ये आंसर मैंने एस्टिमेट कर दिया. सो दैट इज व्हाट इज एस्टिमेटिंग आउटकम ऑफ नंबर्स. अब मान लो हम एडिशन भी देखते हैं, सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी देखते हैं, और डिवीजन भी देखते हैं, लेकिन उन सबों का हम एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, एस्टिमेट. देखो ये बुक का ही दिखाता हूं आपको. बुक का क्या लिखा है? गिव ए रफ एस्टिमेट, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट. क्लोजर मतलब और नजदीक, नजदीक यानी कि और एग्जैक्ट. ठीक है, ये तो बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड, यानी कि अगर आप इन दो, मान लो ये एक क्वेश्चन है, 439 + 334 + 4317, ये हमने इनका आउटकम निकालना है, इनको ऐड करना है. अगर अब ये कह रहा है भाई हमें गिव ए रफ एस्टिमेट, मुझे
अंदाजा एक एस्टिमेट बताओ, ब्रैकेट में लिखा है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, तो इन सबों को नियरेस्ट हंड्रेड पे हम राउंड ऑफ करते हैं, पहले को करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड पे, तो ये क्या मिलेगा 400। नियरेस्ट हंड्रेड ये है टारगेट, हंड्रेड का प्लेस, एक डिजिट कम देखा, ये 5 से कम है इसलिए मैंने इसको 0-0 कर दिया। इसको भी नियरेस्ट हंड्रेड पे करना है, अब सभी को हंड्रेड पे करना है, तो ये टारगेट बन गया। तो टारगेट से एक डिजिट कम क्या है, टारगेट से एक डिजिट है 3, और 3 तो 5 से कम है तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी 300 हो गया। इसको फिर से नियरेस्ट हंड्रेड पे करना है, तो हंड्रेड पे ये आपका टारगेट है, टारगेट से एक कम 5 से कम है तो ये भी 0 हो गया, तो 4300। अब इनको आपने अगर ऐड कर दिया क्या आ जाएगा, 5000 आंसर आएगा। जब हम क्या करेंगे, जब हम नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंडिंग करेंगे, नियरेस्ट हंड्रेड पे, तो हमें 5000 आंसर आ गया। अब ये कह रहा है एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट, अब उससे क्लोजर मतलब उससे मोर एक्यूरेट, मोर एग्जैक्ट, जो पहले हमने किया था उससे हमें थोड़ा सा और एक्यूरेट चाहिए। वो कैसे मिलेगा, बाई राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब टेंस पे इसी क्वेश्चन को 439 प्लस 334 प्लस 4317, अब इनको इनका आउटकम निकालना है, इनको ऐड करना है, लेकिन साथ में क्या करना है, नियरेस्ट टेंस पे। तो जल्दी से देखेंगे टेंस के टारगेट को, हम पहले टारगेट बनाते हैं क्या क्या है। अब ये 9 है इसका नियरेस्ट, इसका नेक्स्ट वाला 9 है, 5 से ज़्यादा है तो ये बढ़ जाएगा, तो ये राउंडिंग हो गया नियरेस्ट 10 पे। इस पे ये 5 से कम है इसके नेक्स्ट वाला, तो ये 0 हो गया और ये 330। ये 5 से ज़्यादा है तो ये टारगेट बढ़ जाएगा। अब अगर आप ऐड करोगे तो वो थोड़ा सा, जो पहले आंसर आया था हमारे को, पहले क्या आंसर आया था, पहले 5000 आया था, अब आंसर चेंज हो जाएगा, थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा, किससे नजदीक हो जाएगा, जो एक्चुअल है। अगर आप इसको पूरा पूरा एग्जैक्टली ऐड करोगे तब तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, इस एग्जैक्ट से थोड़ा एक्यूरेट, तो हम उसको कहेंगे क्लोजर एस्टिमेट। तो या तो ये लिखा होगा कि आपको कहां पे राउंडिंग करना है तो आप वहां पे ऐड करोगे। अगर नहीं लिखा है, अगर आपको जनरल बताया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, अब आपको नहीं बताया कि कहां पे इसको राउंडिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल ये है 730 प्लस 998, तो जनरल रूल में क्या है, आप हर डिजिट को जो उसका ग्रेटेस्ट प्लेस है वहां पे राउंडिंग कर दो। जैसे ग्रेटेस्ट प्लेस या 100 का प्लेस है, इसका भी 100 का प्लेस है, तो जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वहां राउंडिंग करो। जैसे 730 का क्या होगा, इसका होगा 700, ये टारगेट बन जाएगा, इससे ये कम 5 से कम है तो ये 700 मिल गया। 998 है तो ग्रेटेस्ट प्लेस पे हमने टारगेट बनाया, इससे एक कम प्लेस को देखा है, 5 से ज़्यादा है तो ये 0 हो गया और ये 1 इसको दिया, ये 10 बन गया तो ये 1000 हो गया। तो इनको आपस में ऐड करना है, तो 700 प्लस 1000 आंसर इज 1700। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एस्टिमेट किया इनका सम, किन का सम, इन दो का।
ठीक है। सो जनरल रूल क्या कहता है, जो हमारा ग्रेटेस्ट प्लेस है वहां पे हम राउंडिंग करेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो जनरल रूल है, जब हम एस्टिमेट करेंगे एड या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आउटकम निकालने के लिए, जब हम एस्टिमेट आउटकम, हम क्या सीख रहे हैं, एस्टिमेटिंग आउटकम ऑफ नंबर्स। तो हम जनरल रूल है, हम राउंड ऑफ करेंगे। जनरल रूल क्या है, राउंड ऑफ द नंबर्स, जिनको आप ऑपरेट कर रहे हो उन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट ब्रैकेट में मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट प्लेस। उसका क्या मतलब हुआ कि जो आपको मान लो ये दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये दिया 1 2 9 0 4 प्लस 2 888, क्या है 1 2 9 0 4 प्लस 2 888। अब यहां पे क्या लिखा है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। अब यहां पे क्या लिखा है, यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल क्या है कि जो आपका नंबर का ग्रेटेस्ट प्लेस है, जैसे इसका क्या ग्रेटेस्ट प्लेस है, पहले देखो ये ठीक लिखा है 1 2 9 0 4 है, 1 2 9 0 4 यानी कि 12,904 प्लस 2,888, 12,904 प्लस 2,888, ये 4 डिजिट का नंबर है। ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सा है, ये वाला, ये 5 डिजिट का प्लेस है, यानी कि इसमें ग्रेटेस्ट प्लेस ये है सबसे लेफ्ट में। तो ये दोनों हमारे को टारगेट बन गए, ठीक है। अब मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मेरा टारगेट है और ये टारगेट। अब इनको जल्दी से राउंडिंग करना है, कहाँ पे करना है, टू द नियरेस्ट ये प्लेस है, इसको टू द नियरेस्ट 10,000 पे, इसको नियरेस्ट 1,000 की प्लेस पे। अगर इसको मैं करूँगा, इससे एक डिजिट कम को देखूँगा, 5 से कम है, तो टारगेट वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो मेरा ये बन गया राउंडेड नंबर। यहाँ पे टारगेट 2 है, इससे नेक्स्ट प्लेस को देखूंगा, 5 से ज़्यादा है तो टारगेट बढ़ जाएगा, वो 3 बन गया, बाकी सारे 0 हो गए। इनको ऐड किया, 10,000 प्लस 3,000 इज 13,000, तो ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज योर जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या बताता है कि आपने नंबर्स को ग्रेटेस्ट प्लेस पे राउंडिंग करना है, और बाद में मैथ ऑपरेशन करना है, अगर एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन करना है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब जैसे ये थर्ड वाला देखते हैं, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब आपने मान लो इसको ये करना है, 1291 मल्टीप्लाइड बाई 592, और जनरल रूल यूज करना है, क्या यूज, जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या कहता है, ग्रेटेस्ट प्लेस पे राउंडिंग करना है। तो ये क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट प्लेस पे, 1,000। ये क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट प्लेस, इसका ये है, वो एक प्लेस कम देखा, 5 से ज़्यादा है, ये राउंड अप हो जाएगा, तो ये 600। तो आंसर क्या आएगा, 6 1 6, 3 और 2 5 0। तो मैंने देखो एकदम आंसर निकाल दिया। इसको अगर मैं एक्चुअल मल्टीप्लाई करता तो बहुत टाइम लगता, बेशक वो आंसर एग्जैक्ट मिलता, लेकिन मैंने क्या किया,
दोनों को राउंडिंग किया और मैंने उसका प्रोडक्ट या उसका आउटकम, उस आउटकम को मैंने एस्टिमेट किया, ठीक है। तो ये टॉपिक है एस्टिमेट आउटकम ऑफ द नंबर्स। यू आर बेसिकली एस्टिमेटिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। आउटकम कब मिलेगा? जब आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवीजन करोगे, ओके। तो ये हमारा N6 1.5 है, इसको आप गूगल क्लासरूम में भी देख सकते हो और इसको आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एस्टिमेटिंग आउटकम, एस्टिमेट आउटकम ऑफ नंबर्स, आउटकम मतलब उनका रिजल्ट, आउटकम ऑफ नंबर्स। तो इसी 1.5 पे आप जब गूगल क्लासरूम में जाओगे, वहाँ ये है 9.5। तो यहाँ वीडियो भी मिलेगा और आपको एक एक्सरसाइज भी मिलेगी। ये जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनका मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिया, तो इनकी प्रैक्टिस करना। 1 2 3, सो दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क, प्रैक्टिस वर्क फॉर एस्टिमेटिंग आउटकम, ठीक है। जहां जनरल रूल लिखा है वहां जनरल रूल, जहां पे स्पेसिफिक लिखा है, जहां पे लिखा है आपको क्या करना है, तो उसको पढ़ के आपको उसी प्लेस पे राउंडिंग करना है। तो इसको ट्राई करो, इन तीनों क्वेश्चंस को, और फिर अगर कुछ डाउट है वो पूछो जूम की क्लास में।